हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। हे, आई एम पल्लवी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल प्रवीण पल्लवी। टाइटल और थंबनेल लेके तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस बारे में होने वाला है। सो इट्स अ ह्यूज 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 कुर्ता एंड कुर्ता सेट्स हॉल फ्रॉम द ब्रांड फैशर। मैंने ना बहुत सुना है इस ब्रांड के बारे में, मैंने सोचा वाई नॉट मैं भी इसको ट्राई करके देखती हूँ कि कैसे प्रोडक्ट्स आते हैं यहाँ से, इसलिए मैंने बहुत सारे कुर्ते मंगवा लिया है। तो चलिए देखते हैं कि ये वर्थ इट है या नहीं। गाइस, अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट चाहिए ना, तो हियर इसमें कूपन कोड जरूर इसको यूज कर लेना, को ना 5% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा सारे ही कुर्ता सेट्स पे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो द फर्स्ट कुर्ती ऑफ दिस हॉल इज दिस वन, जो कि बहुत ही प्यारा सा प्रीटी एक येलो कलर की कुर्ती है। इसमें ना पूरा हैंड वर्क किया गया है, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर से एकदम हैंड वर्क किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के है। सो मैंने इसमें साइज परचेस किया है एस, एंड ये मुझे परफेक्टली फिट आया है। जैसा लग रहा था कि मेरे एकदम साइज वाइज लेके इसको बनाया गया है। इसका जो कलर है ना वो मस्टर्ड येलो कलर में है, एंड स्लीव आप देख सकते हो 3/4 स्लीव है इसका। ये जो फैब्रिक है ना वो रेयन में है एंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, समर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, समर अप्रोप्रिएट है बिल्कुल। ये आप लेंथ देख सकते हो, लेंथ भी काफ़ी अच्छा है इसका, एंड पूरे ना कुर्ती पे ना ऐसे छोटे छोटे ना ऐसे फ्लावर बनाया गया, जो कि बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहा है। ओवरऑल कुर्ता क्वालिटी एकदम 10/10, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है गाइस, ज़रूर इसको आपको ट्राई करना चाहिए। तो इसका जो प्राइस होगा ना वो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी। इस प्राइस रेंज में ना ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसका ना पूरा ये हैंड एम्ब्रॉयडरी किया गया है। इतनी हैंड एम्ब्रॉयडरी वगैरह होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो इस प्राइस के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे काफ़ी सुंदर है गाइस, ज़रूर इसको ट्राई करना। तो चलिए अभी हमारे नेक्स्ट कुर्ती देखते हैं। नेक्स्ट इज ऑल्सो ए वेरी वेरी प्रीटी कुर्ती, आप देख सकते हो इसका कलर मुझे इतना पसंद आया है। ये कुर्ती जो है वो थोड़ा सा पाकिस्तानी टाइप कुर्ती है, आप देख सकते हो इसका जो स्लीव है ना वो ऐसा फ्लेयर स्लीव्स है। मुझे लग रहा था कि इसमें अगर मैं एक साइज एक या दो साइज और ज़्यादा बड़ा ले देती तो और ज़्यादा प्रीटी लगता, क्योंकि ये जो पाकिस्तानी टाइप कुर्ता होता है ना वो ना थोड़ा सा लूज ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें मैंने साइज लिया था एस, ये बिल्कुल फिट आया है मुझे। अगर आप लोगों को फिट वाला पसंद है तो फिर आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग लो, अगर आपको लूज फिट पसंद है पाकिस्तानी स्टाइल कुर्ताज में तो फिर आप थोड़ा सा एक या दो साइज अपनी साइज से बड़ा ले लो, ठीक है। तो पूरा कुर्ता जो है ना वो ऑल ओवर फ्लोरल प्रिंट किया गया है, जो निकलाइन है वहाँ पर ना सुंदर से ऐसे जरी वर्क किया गया है, एंड स्लिप्स में भी है, स्लिप्स के बॉर्डर्स में भी है, जो कि बहुत ही प्रीटी लग रहा है। पहनने के बाद ना बहुत ही प्रीटी सा लुक दे रहा था। ऐसे टाइप की कुर्तीज़ को ना आप रेगुलर वेयर पे भी यूज़ कर सकते हो, या फिर कहीं पे घूमने जाना चाहते हो ना तब भी यूज़ कर सकते हो। इसका जो फैब्रिक है ना वो ये थोड़ा सा सिल्क टाइप में है, भी बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, तो आप इजिली समर में पहन सकते हो। तो यहाँ पे मैं प्राइस मेंशन कर दूंगी सारे ही प्रोडक्ट्स का, एक्स्ट्रा 5% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना, एंड सारे प्रोडक्ट्स के ना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अभी हमारे नेक्स्ट कुर्ती देखते हैं। फन इज ऑल्सो येलो कलर की कुर्ती, तो मुझे ये येलो कलर बहुत ज़्यादा पसंद आता है, स्पेशली समर में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये ना एक प्योर कॉटन की कुर्ती है, इसका भी स्लीव जो है ना वो फ्लेयर स्लीव्स है। मुझे ये फ्लेयर स्लीव्स ना बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, मतलब आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस स्लीव्स, एंड स्पेशली समर्स में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ऐसे टाइप के स्लीव्स वाले कुर्तीस एंड कुर्ताज। तो ये कॉटन का फैब्रिक है, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, एज यू ऑल नो कि कॉटन का फैब्रिक इतना ज़्यादा कम्फर्टेबल होता है। सब वाले कुर्ता का आप देख सकते हो निकलाइन जो है ना वो काफ़ी सुंदर है, हम देख सकते हो ऐसे ना साइड से ना सर कट वर्क किया गया है एक साइड, तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ही यूनिक है स्टाइल इसका, एंड पूरा ऑल ओवर कुर्ता में ना ऐसे सुंदर सा ना लिप कुछ पैटर्न बनाया गया है, जो कि बहुत ही प्रीटी लग रहा है। मैंने इसमें भी साइज़ परचेस किया था, आई थिंक मैंने इसमें एम साइज़ मंगवाया था, इस वजह से ये थोड़ा सा लूज था मुझे, बट आई लव लूज कुर्ता, सच्ची में मुझे बिल्कुल फिटेड कुर्ता से ज़्यादा ना मुझे थोड़ा सा लूज होना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बहुत ही प्रीटी है, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, समर के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। प्राइस के हिसाब से ना क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड डिज़ाइन भी काफ़ी सुंदर है, लोग बिल्कुल ले सकते हो। सो द नेक्स्ट कुर्ता सेट इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट फ्रॉम दिस हॉल। तो ये वाला अनारकली टाइप कुर्ता है, ऐसे टाइप के स्लीप्स में है, स्ट्रैपी स्लीप्स में है, बहुत सुंदर इसका फ्लेयर्ड है, बहुत ज़्यादा फ्लेयर्ड है, मतलब इतना सुंदर ये अनारकली कुर्ता है ना, समर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये ना प्योर कॉटन में है। फ्रेशर ब्रांड के ना जो भी कुर्तीज वगैरह होते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम रिच क्वालिटी के फैब्रिक होते हैं, कॉटन ऐसा वैसा कॉटन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी वाला कॉटन है। तो आप यूज़ करोगे ना तो आपको पता चलेगा बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम वाला क्वालिटी है इसका, एंड पहनने के बाद इतना सुंदर लुक आ रहा था,
बहुत ज़्यादा पसंद आया, मैं तो मतलब ऑब्सेस्ड हो गई विद दिस कुर्ता सेट्स। तो इसके साथ ना एक पैंट एंड एक दुपट्टा आता है। तो इस वाले कुर्ता सेट के पीछे ना तो इस पर चेन भी है एंड मैंने इस पर साइज परचेस किया था एस साइज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्रेशर पैंट में ना आपको एक्सेस से लेकर ना 6XL तक मिल जाएंगे, सारी साइजेस अवेलेबल है तो कोई भी ले सकता है। एंड इस वाले कुर्ता सेट पे ना आपको ना पॉकेट्स भी मिलता है दोनों तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। दुपट्टा है आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा सुंदर दुपट्टा है, मतलब इतनी प्यारी सी एक सेट है ना, क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, समर के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। यहीं पे घूमने जाओगे ना इसको पहन के, मतलब लोग बस आप ही को देखते रह जाएंगे, इतनी अच्छी सेट है ये वाला। तो हाईली रिकमेंड करती हूँ मैं ये वाला कुर्ता सेट्स। तो चलिए अभी हमारे नेक्स्ट कुर्ता सेट देखते हैं। द नेक्स्ट कुर्ता सेट इज़ ऑल्सो माई मोस्ट फेवरेट फ्रॉम दिस हॉल, विच वन इज दिस। ये इतना प्यारा सा एक पाकिस्तानी टाइप कुर्ता सेट है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा प्यारा है। इतना सुंदर इसका स्लीव है, देख सकते हो सुंदर से ना ऐसे लेसेस का वर्क किया गया है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। इसका निकलाइन ये जो कुर्ता है ना बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा प्रीटी है। इसको पहनने के बाद जो लुक आ रहा था ना गाइस आप देख सकते हो वीडियो पे, प्योर कॉटन में है एंड इसके अंदर से ना आपको अस्तर भी मिल जाता है, क्योंकि हाफ अस्तर दिया गया है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, बेथ्रू नहीं है। तो आप लोग इसको ईजिली समर में यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है एंड इसका क्वालिटी जो है ना कपड़े की बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इसके साथ ना एक ऐसा सिंपल सा प्लेन पैंट मिलता है, देख सकते हो कुछ ऐसा सिंपल सा प्लेन पैंट एंड एक शिफॉन का दुपट्टा भी मिलता है, जो कि पूरा जो सेट है ना इतना सुंदर लगता है पहनने के बाद। ज़रूर आपको इसको भी ट्राई करना ही चाहिए, मस्ट हैव कुर्ता है। चलिए अभी हमारे नेक्स्ट कुर्ता सेट देखते हैं, वो है ये वाला। आप देख सकते हो मतलब इतनी प्यारी प्यारी सी सेट है ना, यहाँ पे एक से बढ़कर एक है। तो इसका कलर एंड आप डिज़ाइन वगैरह सब कुछ देख सकते हो। इसका स्पेशल चीज़ जो है ना वो ये है, लटकन पीछे से ना इतनी प्यारी से लटकन दिया गया है एंड ये भी प्योर कॉटन में है। एंड इसका भी स्लीव का डिटेलिंग आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एंड काफ़ी यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा है। तो नेट में ना यहाँ पे सुंदर सा ना डिटेलिंग किया गया है स्लीव में एंड ऑल्सो नीचे आप देख सकते हो, नीचे भी सेम ऐसा ही दिया गया है जैसा कि स्लीव में दिया गया था। एंड ऑल्सो पैंट में भी इस तरह की ही ना आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही प्रीटी है। आप देख सकते हो पैंट भी काफ़ी सुंदर है, ये ना प्लाजो पैंट है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। ये कुर्ता सेट जो है ना वो कॉटन में है, प्योर कॉटन में है। तो इसमें मैंने साइज परचेस किया था एस साइज एंड ये परफेक्टली फिट आया है। तो इसका जो वर्क किया गया है ना ऑल ओवर कुर्ता पे बहुत ज़्यादा सुंदर वर्क किया गया है। मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद है एंड पहनने के बाद भी इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत ही प्यारा सा लग रहा था गाइस। तो सामने ना बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, जैसे कि राखी वगैरह और भी बहुत कुछ आने वाले हैं। अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो ना तब भी आप गिफ्ट भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। द नेक्स्ट कुर्ता सेट इज दिस वन, ये भी बहुत बहुत ज़्यादा प्रिटी एक कुर्ता सेट है। तो इसके साथ ना एक पैंट भी आता है, तो आप देख सकते हो ये वाला कुर्ता सेट कितना ज़्यादा प्रिटी है। कलर इसका बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो इसका जो नेकलाइन का वर्क किया गया ना काफ़ी डिफरेंट है। मुझे ऐसे टाइप के नेकलाइन बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो स्लीव थोड़ा सा लूज था बट बहुत ज़्यादा प्रीटी कुर्ता सेट है, पहनने के बाद इतना प्यारा सा लग रहा था ना, प्योर कॉटन में है। आप देख सकते हो लुक कितना प्यारा लग रहा है पहनने के बाद। तो इसके साथ जो पैंट आया है ना वो आप देख सकते हो, वो भी प्योर कॉटन में है एंड कलर कितना प्रीटी है इसका, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। ऐसे टाइप के कलर्स, ब्राउन कलर स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसमें साइज परचेस किया था एम, आई थिंक एस साइज अवेलेबल नहीं था तब, इसलिए मैंने एम ले लिया था। तो लूज आया था बट इट्स फाइन, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा घेरा है इसका। ये ना क्वालिटी जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा वाला क्वालिटी है, और कब देख सकते हो ना ये भी बहुत ज़्यादा प्रिटी है एंड स्लिप में भी ऐसा वर्क किया गया है, आप देख सकते हो बहुत सुंदर लग रहा है। इसको पहनने के बाद बहुत ही प्यारा सा लुक लग रहा था एंड इसका पैंट भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, आपको ज़रूर इसको भी ट्राई करना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रिटी कुर्ता सेट है। सो हमारे नेक्स्ट जो कुर्ता सेट है ना वो कुछ डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, मैंने ऐसा कभी भी ट्राई नहीं किया था। तो ये कुछ थ्री पीस सेट है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक पैंट मिलेगा, एक आपको ऐसा कुर्ती मिलेगा, ऊपर से ना आपको कुछ ऐसा जैकेट टाइप मिलेगा ओवर साइज। और देखते ही ये बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, तो मैंने सोचा कि इसको तो ट्राई करना बनता है, क्योंकि मैंने ऐसा कभी भी ट्राई नहीं किया आज तक। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट इसको ट्राई करके देखते हैं। तो इसको ना पहनने के बाद जो लुक आ रहा था मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई डोंट नो कि सबको कैसे लगेंगे बट मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करने को मिला एंड आई लव दिस। तो इसका कलर भी बहुत ज़्यादा प्रिटी है एंड इसका जो वर्क किया गया है ना ऊपर जैकेट
मार्केट में वो बहुत ज्यादा प्रीमियम है, आप देख सकते हो। ये ना हैंडवर्क है, बहुत ज्यादा यूनिक स्टाइल है इसका। तो मैंने इसमें साइज परचेस किया था एस एंड ये मुझे परफेक्टली फिट आया है। ये थोड़ा सा ओवर साइज है, बहुत ज्यादा प्रिटी सेट है ये। अगर आप लोग भी कुछ यूनिक ट्राई करना चाहते हो ना तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई करना। नेक्स्ट कुर्ता सेट इज दिस वन, बहुत ही प्रिटी है ये वाला कुर्ता सेट। तो कुछ ऐसा टाइप के दिखते हैं, आप देख सकते हो। ये एक अनारकली टाइप कुर्ता सेट है, बट इसके ना सामने से ऐसा स्लिट्स दिया गया है। घेरा बहुत ज्यादा है, बहुत प्रीमियम सा घेरा है। इसका जो नेकलाइन का वर्क है ना बहुत ज्यादा प्रिटी है। कलर बहुत प्रिटी है, समर के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है क्योंकि ये प्योर कॉटन में है। एंड इसके साथ इसका एक पैंट भी आता है, पैंट भी बहुत ज्यादा सुंदर है, आप देख सकते हो। बहुत ही प्रिटी सा पैंट है एंड पैंट के नीचे भी ऐसे ना लेसेस वर्क किया गया है जो कि बहुत क्यूट लगता है मुझे। तो आप इसको जरूर ट्राई करना, बहुत ज्यादा सुंदर लगता है पहनने के बाद। तो आप इन सारी कुर्तीज को ना ओकेशनल यूज कर सकते हो, छोटे मोटा कोई फंक्शंस कुछ भी है ना तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। एंड अगर किसी को गिफ्ट करना चाहो ना तब भी गिफ्ट कर सकते हो। तो चलिए अभी हमारे नेक्स्ट कुर्ता सेट देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट कुर्ता सेट है, हियर इज द लास्ट कुर्ता सेट। तो ये ना प्योर कॉटन में अनारकली कुर्ता सेट है, फुल स्लीव है, पहनने के बाद लुक बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। मैंने इसमें साइज परचेज किया था एम, तो ये थोड़ा सा लूज था मुझे, बट इट्स फाइन, कोई इशू नहीं है। ह्यूज घेरा है ये वाला कुर्ता सेट का। तो इसमें भी ना बहुत सुंदर से ऐसे लेसेस डिजाइन किया गया है, आप देख सकते हो लेसेस वर्क किया गया है। एंड ये भी नायरा कट आलिया कट जो कुर्ता होता है ना वैसे टाइप की कुर्ता है जो कि मुझे बहुत ज्यादा प्रीटी लगता है। तो इसके साथ ना एक पैंट भी आता है, आप देख सकते हो। पैंट भी कुछ इस तरह से है, कलर सेम है एंड फैब्रिक जो है वो इसका भी कॉटन है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत 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 ज़्यादा। मैंने समर के हिसाब से ही सारे कुर्ता से चूज़ किया है और सारे के सारे ही कॉटन में है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी वाले कॉटन है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। फ्रेशर ब्रांड से आप अगर आप लोग कुछ भी लेते हो ना तो आपको ना फर्स्ट डिलीवरी हो जाता है, ईजी रिटर्न्स भी हो जाता है और साइज़ तो 6XL तक आपको मिल जाएंगे, साइज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। फ्रेशर इज ऑल्सो अवेलेबल इन नायका फैशन, मिंत्रा एंड आजियो, बट आपको बेस्ट प्राइस एंड न्यू अराइवल्स ना सिर्फ आपको वेबसाइट पे ही मिलेगा। तो आप लोग वेबसाइट पे जाके एक बार चेकआउट कर लेना सारे ही प्रोडक्ट्स। फाइनली मैं तो फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ विद सारे के सारे कुर्ती से। ये ब्रांड बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकला, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आया। हाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट बिल्कुल वर्थ इट है, आप लोग जरूर उसको ट्राई करना। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, कैसा लगा आप लोगों को कलेक्शन, मैंने कुछ नया ट्राई किया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा ना तो जरूर मुझे कॉमेंट करके बताना एंड आप लोगों को सबसे ज़्यादा कौन सा वाला फेवरेट लगा वो भी मुझे बताना। ऑल्सो गाइस फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यार इंस्टाग्राम आईडी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।